नमस्कार दोस्तों, रेफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं रिजवान सैफी, आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन 11 के बारे में, आईफोन 11 के फोल्डर किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास आईफोन 11 है और ये हम इन टूल्स का यूज करेंगे और इसे डिसेंबल करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे, अगर हमारा फोल्डर काम नहीं कर रहा, फोल्डर खराब हो गया है, तो हम उसे सबसे पहले डिसेंबल करेंगे। तो हम ये स्क्रू ड्राइवर लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो हमारी आगे स्क्रू ड्राइवर की बिट है वो सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से स्मूथली से ओपन कर लेंगे। ये हम इसे रिमूव कर लिया, ये हमारा स्क्रू ड्राइवर ओपन हो चुका है। अब देखिए, बहुत स्मूथली हमें चलना है। अगर हम जैसे कि ग्लास भी चेंज करते हैं, अगर फोल्डर भी चेंज करते हैं, तो हमें तो बहुत स्मूथली चलना है। हम ये ओपनर लेंगे, ये 5। अभी से देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आईफोन आते हैं, जैसे 11 है, 11 में देखिए इस साइड भी, इस साइड पत्ता जैसा आपको पता नहीं है, तो अब इस साइड इसमें पत्ता होता है, तो हम इस साइड पत्ता होता है, अगर इस साइड से हम ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो सकता है हमारा पत्ता। तो हम हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, हमें नीचे से ही ओपन करना है, जहां से हम स्क्रू को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देखिए, हम इसे स्टार्ट करेंगे नीचे से ही, जहां से हमने स्क्रू रिमूव किए हैं। अब देखिए ओपनर ये हमारा प्रॉपर आराम से स्टार्ट होगा। देखिए बहुत स्मूथली आराम से आपको ओपन करना है, पूरा क्रोम के साथ आता है, ये पूरा फ्रेम होता है। देखिए दोस्तों, हमने ये इसे ओपनर की मदद से ये हमने प्रॉपर फोल्डर निकाल दिया, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है, पत्ता हमारा जैसे मैंने आपको बताया आईफोन 11 में हमेशा राइट साइड में है, जो आपका पावर बटन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप आईफोन 11 ओपन करेंगे तो हमेशा पावर बटन का ध्यान रखना है, पावर बटन की साइड ही आपको इनका पत्ता दिखाई देंगे। ये देखिए हमने ओपन किया, इस तरीके से आपको फ्लैप उठाना है आराम से, ये फ्लैप आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, ये पत्ता डिस्प्ले का, ये इस पत्ते को हटाना है और ये आपका स्पीकर। ये देखिए हमारा फोल्डर निकल चुका है। ओके, अब हम जब फोल्डर को चेंज करेंगे, हम दूसरा फोल्डर सेम इसी तरीके से लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हम फिक्स करते हैं। ये हमने फोल्डर ले लिया, अब हम दूसरा फोल्डर लेंगे। अब देखिए हम फोल्डर की असेंबलिंग करेंगे। अब हमने ये फोल्डर ले लिया है दूसरा, अब इस फोल्डर को हम लगाएंगे सेम उसी तरीके से आपको लगाना जैसे आपने निकाला था प्रॉपर। आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप ये पत्ता हम लगाएंगे इस पर। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, बहुत ही स्मूथली लगाना है आपको, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो कनेक्टर ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा लग चुका है। अब हम देखिए आगे से हमें फ्रंट से पहले पुश करना है, फ्रंट से पुश करने के बाद इजीली आपको सब तरफ से हल्के हाथ से इसे बैठा देना है। ठीक है, लास्ट में स्क्रू लगा देने हैं। ये हमारा फोल्डर इस तरीके से चेंज हो जाएगा आईफोन 11 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।